हेलो एंड वेलकम टू नेशंस प्राइड। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डिफेंस अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका आज का सवाल ये रहा। इस सवाल का जवाब आपको आपके कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया COVID-19 से बचाव और राहत में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चाइना, जिसने इस पूरे वायरस को दुनिया में फैलाया, वो अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी की। पिछले कुछ दिनों से हम चाइनीज आर्मी के लद्दाख और सिक्किम रीजन में एग्रेशन को तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब उसकी नज़रें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े महासागर इंडियन ओशियन पे है। कल ही इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने बताया कि साउथ चाइना सी के बाद चाइना की नज़रें अब इंडियन ओशियन पे है, और इसके लिए इंडिया को हिंद महासागर पे अपनी सुरक्षा जितनी जल्दी हो सके बढ़ानी चाहिए, ताकि फिशिंग, माइनिंग और एनर्जी एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट मिल सके। इसके बाद उन्होंने कहा, चाहे मछली पकड़ना हो, डीप सी एक्सप्लोरेशन हो या फिर सिक्योरिटी, पड़ोसी देश यानी चाइना वर्ल्ड लीडर बन चुका है, जबकि इंडिया अभी तक अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। ऐसे समय में इंडिया को जरूरी कदम उठाने चाहिए, ताकि हिंद महासागर में चाइनीज एनवायरनमेंट को कम किया जा सके, और इसके लिए इंडियन नेवी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। द यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान के F-16 के डील को मंजूरी दे दिया है। इस डील के तहत पाकिस्तान अमेरिका से F-16 के साथ ही स्नाइपर राइफल्स, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक डिवाइस, लो एल्टीट्यूड नेविगेशन एंड टारगेटिंग नेविगेशन पॉड के साथ ही और भी कई तरह के डिवाइस खरीदने वाली है, जो कि मई 2025 तक पूरा होने के चांसेस हैं। इंडियन आर्मी के 28 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाए गए एक कम्बाइंड ऑपरेशन में उन्हें एक बड़ी सफलता तब मिली जब कुपवाड़ा से लश्कर ए तैयबा के 3 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया। बाद में उनसे पूछताछ से ये पता चला कि ये तीनों हाल ही में लश्कर ए तैयबा टेरर ग्रुप को ज्वाइन किया था। इसी बीच कल ये खबर आई कि अमेरिका ने अलकायदा के टेररिस्ट इब्राहिम जुबैर को इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। इस आतंकवादी पर हैदराबाद में अलकायदा के टेररिस्ट ग्रुप को फंड प्रोवाइड करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल यूएसए से स्पेशल फ्लाइट में लाए गए इस आतंकवादी को अमृतसर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अब इसी बीच इंटेलिजेंस से ये भी खबर आ रही है कि हिजबुल मुजाहिदीन अगले 10 दिनों के अंदर कोई बड़ा टेरर अटैक लॉन्च कर सकता है। हिजबुल के टॉप कमांडर्स कश्मीर वैली में डिप्लॉयड आर्म फोर्सेस पे अटैक कर सकती है, और इसके साथ ही आर्म्स रॉबरी यानी डकैती की प्लानिंग भी कर रहा है। 21 मई की शाम तमिलनाडु स्थित कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में अचानक से कुछ वाइब्रेशन होने लगी। इसके बाद टेक्नीशियन और इंजीनियर्स की एक टीम ने प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहा, लेकिन वो नहीं कर सके, जिसके बाद रसिया से 7 टेक्नोक्रेट्स की टीम भारत पहुंची और पावर प्लांट के इंस्पेक्शन में लगे हुए हैं। यहां जिस रिएक्टर में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हुई, वहां लगभग 1000 मेगावाट का एक जनरेटर है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो टीम आई वो रसिया से ही क्यों आई, तो मैं आपको बता दूं कि 2013 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत रशियन कंपनी को इन रिएक्टर्स को इम्प्लांट करना था और इन फ्यूचर इनकी मरम्मत का काम भी उन्हीं को सौंपा गया है। सो गाइज, ये थे हमारे आज के टॉप 4 डिफेंस अफेयर्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।